असलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल बेटा? आप सबका ठीक ठाक है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे आप सब। अच्छा बेटा, आज हमने सेकंड ईयर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है, ठीक है? तो लेकिन उससे पहले जरा इसके बारे में देख लो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के दरमियान एंगल अगर हमने फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा लेट्स सपोज हमारे पास लाइन है, ये है एक लाइन, ये है, ये दो लाइन है बेटा हमारे पास। मान लो कि इस लाइन का नाम है L1, इस लाइन का नाम है L2, और अगर हमने इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है फ्रॉम लाइन वन टू लाइन टू, अगर इनके दरमियान वाला एंगल हमने फाइंड करना है थीटा, तो वो कैसे किया जाएगा? अब उसका फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन। एम टू क्या है? स्लोप है किसकी? लाइन टू की। एम वन क्या है? ये भी स्लोप है किसकी? लाइन वन की। ठीक हो गया ना? हमने लाइन टू की स्लोप पहले रखी है, लाइन वन की स्लोप बाद में रखनी है, इन दोनों को माइनस करना है, ख्याल रखना। डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम टू मल्टीप्लाई एम वन, ये बेटा जी फॉर्मूला है अगर हमें दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्लोप, स्लोप की मदद से, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करें, पर एहतियात करनी है। और वो किस चीज की एहतियात है? देखो बेटा, मैं एंगल फाइंड कर रहा हूं L1 से L2, फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, तो जो सेकंड वाली लाइन होगी उसकी स्लोप पहले आएगी, फर्स्ट वाली लाइन की स्लोप बाद में। अगर हम एंगल फाइंड कर रहे होते L2 टू L1, मतलब L2 से L1 का अगर हम एंगल फाइंड करते, फिर बेटा M1 माइनस M2 होगा। इस चीज का ख्याल रख लेना, सेकंड लाइन की स्लोप पहले माइनस फर्स्ट लाइन की स्लोप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, वो क्या है? फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। मतलब कोई एक ट्रायंगल है, उसके हमें तीन वर्टिसेस दे दिए गए, ए बी एंड सी। लेट्स सपोज कुछ ऐसे ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है। अब वो क्या कहेगा? फाइंड इंटीरियर एंगल्स, हमने ये इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज ये एंगल, ठीक है, और एंगल हम बेटा एंटी क्लॉकवाइज देंगे, तो फिर मतलब ये वाला एंगल इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, फिर ये वाला एंगल ये भी एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो ये एंगल इस डायरेक्शन में आएगा, फिर ये वाला एंगल इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज देंगे, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो एंगल वर्टेक्स ए पर बनने वाला एंगल है इसका नाम रख लेते हैं अल्फा, वर्टेक्स बी पर बनने वाला एंगल का नाम रख लेते हैं बीटा, वर्टेक्स सी पर बनने वाले एंगल का नाम रख लेते हैं गामा। हमने ये तीनों इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो मान लो इस लाइन सेगमेंट की जो स्लोप है वो है एबी, इस लाइन सेगमेंट की जो स्लोप है मान लो कि वो स्लोप है एसी या सीए, बात देखिए, और इस लाइन सेगमेंट की जो स्लोप है मान लो वो है बीसी। तो हमने अगर ये अल्फा फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों लाइन सेगमेंट की स्लोप की मदद से फाइंड करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है ना? तो मतलब अगर हमें ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं तो बेटा हमें तीनों साइड्स की स्लोप का पता होना लास्ट में। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं इन तीनों, स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी, इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। फार्मूला याद है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप का फार्मूला था, ठीक है। तो ए और बी की बात कर रहा ना, तो ये वाई टू एक्स टू और ये वाई वन एक्स वन, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, वाई टू की वैल्यू 7 माइनस वाई वन की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू की वैल्यू 2, एक्स वन की वैल्यू 6। तो स्लोप क्या देखें हमारे पास, 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 माइनस 4, तो स्लोप का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर,
टू का डबल थ्री तक पढ़े, टू का डबल टू तक पढ़े, तो ये आंसर आ जाएगा थ्री ओवर टू विद माइनस, माइनस भी साथ आ गया, ठीक है। तो किसकी स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ ए बी। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है, तो ऐसा कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं वन। अब इसी तरह हम स्लोप फाइंड करेंगे बीसी की और ए सी की या सी ए। स्लोप ऑफ बी सी, बी और सी की स्लोप फाइंड करते हैं, तो अगेन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, क्या आएगा बराबर माइनस 40, नीचे कितना आ जाएगा माइनस 8, तो कटिंग होगी कितना आएगा माइनस की माइनस से होगी छुट्टी, माइनस कैम से, तो फिर क्या बचा, 2 का डबल 7 तक पढ़े 14, 2 का डबल 4 तक पढ़े तो 8 आ गया, तो स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 7/4, ये BC साइड की स्लोप आ गई, इसका नाम रख लेते 2। ठीक है, इसकी भी स्लोप निकाल ली, अब लास्ट साइड रहेगी AC या CA, इसकी भी स्लोप निकाल देते हैं, देन फिर एंगल के लिए फार्मूला यूज करेंगे। अब किस साइड की स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ ए सी या सी ए जो भी लिखना है, ठीक है, ए और सी इन दोनों के दरमियान स्लोप निकालते हैं, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक हो गया, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, तो बेटा ये क्या आएगा फिर, माइनस एट माइनस ट्वेल्व, तो यहां पर कटिंग हो जाएगी, तो क्या आएगा माइनस माइनस से कैंसिल, ठीक है, फोर का टेबल टू तक पढ़ेंगे एट, फोर का टेबल थ्री तक पढ़ेंगे तो ट्वेल्व, तो स्लोप क्या आ गई, टू बाय थ्री, इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन थ्री। अब बेटा हमारे पास तीनों साइड्स की स्लोप आ चुकी है, अब हम ये इंटीरियर एंगल्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लोप, ठीक है, हो गया। नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे थे इस अल्फा की, टेन अल्फा व्हिच इज इक्वल टू, क्या था फार्मूला, दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का, एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई M1। अब ये M2 किसको शो कर रहा है, सेकंड लाइन M1 किसको शो कर रहा है, फर्स्ट लाइन को, हम अल्फा किसके दरमियान फाइंड कर रहे हैं, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान, देखो बेटा अल्फा किसके दरमियान मान है, इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के दरमियान, जहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट जो है ये L2 के लाइन, ये लाइन सेगमेंट जो है L1 के लाइन, तो मतलब किसकी स्लोप पहले आएगी, L2 की स्लोप ऑफ AC, इसकी स्लोप बाद में आएगी L1 की स्लोप ऑफ AB, ठीक हो गया, तो नीचे भी लिख लेते हैं M2 की जगह पर AC, M1 की जगह पर AB। अब जरा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले AC की स्लोप क्या थी, 2 बाई 3 माइनस AB की स्लोप क्या है, माइनस 3 बाई 2, ठीक है, ए बी की स्लोप क्या आएगी, माइनस थ्री बाई टू, तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको यहीं पर डायरेक्ट कर दे, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वन प्लस ए सी की स्लोप क्या है, टू बाई थ्री इंटू ए बी की स्लोप वो क्या है, माइनस थ्री बाई टू, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या करता है हमारे पास,
अब बेटा इसका ऊपर वाले बाल को एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा नीचे वाले बाल का प्रोडक्ट 3 2 6 और ऊपर क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 2 से मल्टीप्लाई कर 4, 3 3 से मल्टीप्लाई कर 9, तो कितना आ गया 4 प्लस 9। नीचे भी एलसीएम आएगा लेकिन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना बचेगा 1 माइनस प्लस माइनस, आगे क्या आएगा 2 3 6 3, बल्कि यहां पर कटिंग ही कर देते हैं डायरेक्ट, तो कैसे देखो 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, जब मल्टीप्लिकेशन में सारा कुछ कैंसिल तो क्या बचेगा फिर 1 बचेगा, ठीक हो गया। तो क्या आएगा 4 प्लस 9 30 1 माइनस 1 0, इस मेन बार के ऊपर 6 डिवाइड हो रहा है तो नीचे के 6 का बनेगा मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। तो फिर आगे क्या आ जाएगा tan अल्फा व्हिच इज इक्वल टू 30 ओवर कितना आएगा 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो बेटा इंफिनिटी आता है, क्या आता है इंफिनिटी। अब आपको याद हो हम ऐसा कौन सा एंगल रखें कि टेन इंफिनिटी दे देता है, बेटा वो 90 डिग्री का एंगल है, आप फाइंड कर सकते हो कैसे, अल्फा इधर ही रहेगा, टेन इधर आगे 1 से लेगा और आप ब्रैकेट में एज इट इज इक्वल 30/0, ठीक है। तो अभी कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना, आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा, अल्फा का एंगल 90 डिग्री मिला, लेकिन डायग्राम से मैं तो 90 डिग्री नहीं बना, इससे मैंने आपको बोला था डायग्राम आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, इससे आपने पेपर पे डायग्राम नहीं बनानी, टेस्ट पे डायग्राम नहीं बनानी, आप वैसे नोट्स पर बना सकते हो, ठीक है ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डायग्राम को तब पता चलेगा ना जब एंगल की बात। अच्छा अब बात करते हैं बीटा एंगल, तो वो क्या आएगा हमारे पास, टेन बीटा। अब इसके फॉर्मूले में m2 क्या होगा, देखो ये बीटा एंगल है, जहां से बनना स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट 1 है, ये लाइन सेगमेंट 2 है, तो ये लाइन सेगमेंट 2 है तो इसकी स्लोप पहले आएगी, माइनस, फिर बेटा वापस इसकी BC की स्लोप आएगी लाइन 1 से लाइन सेगमेंट 1, डिवाइडेड बाय 1 प्लस लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB की स्लोप और BC की स्लोप, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है और फिर सिंपलीफाई करके आंसर निकालना है, तो वैल्यूज क्या है हमारे पास, सबसे पहले AB की स्लोप और AB की स्लोप हमने निकाली -3/2 माइनस, फिर क्या आएगी BC की स्लोप और BC की स्लोप हमारे पास क्या है 7/4, नीचे भी ऐसे 1 प्लस AB की स्लोप -3/2 और BC की स्लोप 7/4, ठीक है। हमने क्या किया AB स्लोप की वैल्यू पुट कर दी और BC स्लोप की वैल्यू पुट कर दी, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, मैं इसको ऊपर वाली जो वैल्यू है उनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा 2 4 से मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 3 = -12
माइनस 2 7s are 14। नीचे क्या आएगा, नीचे भी कुछ ऐसे ही आएगा, 1 प्लस माइनस या आपस में मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 7s are 28, 21। नीचे भी ऐसे करते हैं, 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7s are 21 डिवाइडेड बाय 2 4s are 8, 8 आ गया। अब इस नीचे वाली वैल्यू का भी अगर हम यहीं पर एलसीएम ले लें तो क्या आएगा एलसीएम, देखो इसका एलसीएम 8 1 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8, ठीक है। साइड वाले वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर निकल गया और माइनस ऊपर वाले वैल्यू, ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया। अब देखो बेटा इस मेन बार के ऊपर 2 डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 8 डिवाइड हो रहा है, तो ये 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 10 बेटा इज इक्वल टू -12 और -14 कितना आ जाएगा, -26। नीचे क्या आ रहा, 8 माइनस 41 कितना आ जाएगा, -13। तो बेटा यहां से माइनस माइनस ही कैंसिल हो गया और 13 1s are 13 2s are 26, तो मतलब 10 बेटा किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो बेटा किसके इक्वल आया, 10 इनवर्स 2, ठीक है, और 10 इनवर्स 2 की वैल्यू का कैंसिल का सम फाइंड कर लेते हैं, तो बेटा 10 इनवर्स 2 पे ये एंगल मिल रहा है, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें 63.43 भी लिख सकते हैं, या अगर राउंड ऑफ कर दें तो 63.435, ये 9 है, राउंड ऑफ करके इसको 5 कर देगा। देखिए तो ये बेटा जी बीटा भी आ गया हमारे पास, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, लास्ट क्या रह गया, गामा। अब गामा निकालते हैं, अच्छा अब ये गैमा एंगल है जो इस लाइन सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन सेगमेंट पर एंड हो रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट 2, ये लाइन सेगमेंट 1, तो मतलब इसकी स्लोप पहले इसकी स्लोप बाद, करते हैं बीसी की स्लोप क्या हमारे पास, 7/4 माइनस एसी की स्लोप क्या हमारे पास, 2/3। नीचे भी आंसर दे सकते हैं, 1 प्लस 7/4 इंटू एसी की स्लोप 2/3, ठीक है। तो इस मेन बार के ऊपर भी एलसीएम आएगा, नीचे भी एलसीएम आएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 4 3, नीचे वाले मल्टीप्लाई 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। नीचे क्या आएगा, 7 2s are 14, 4 3s are 12, 14 over 12 plus 1, तो एलसीएम क्या आएगा, फिर नीचे 12 का ना 12 एज़ इट इज रहेगा, ठीक है ना, 4 3s are 12 वो एज़ इट इज, साइड वाले वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है, प्लस ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 7 2s are 14, ठीक है ना, ये इसका बेटा एलसीएम हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास, इस मेन बार ऊपर 12 नीचे भी 12
ऊपर भी डिवाइड हो रहा है नीचे भी डिवाइड हो रहा है, ट्राइंगल से कैंसिल, तो हमारे पास टेन गामा इज इक्वल आ गया 21 माइनस 8 कितना हो गया 30, 14 प्लस 12 कितना हो गया 26, तो यहां पर कैंसिल होंगे 13 1 13 2, तो 1/2 आ जाएगा गामा, इधर ही रहेगा 10 उधर आगे नोट्स में देगा, तो ये 10 और 1/2 का कितना आंसर बनेगा ये फाइंड करते हैं। तो ये बेटा जी हमारे पास गामा भी निकल आया, तो ये था जी क्वेश्चन बेटा, आसान है बट लेंथी है, मुश्किल नहीं है, अल्फा भी हमने निकाले, बीटा भी निकाले, गामा भी निकाले, ठीक है। तो एंगल्स का हमें अब पता चला, तो इस एंगल्स के मुताबिक हम डायग्राम कुछ बेहतर बना सकते हैं, तो जो मैंने पहले डायग्राम बना दी थी जस्ट एक्सपोज कीजिए डायग्राम, तो आप नोट्स पे चलो तो बना लेना, पेपर में टेस्ट में अपने डायग्राम भी बना लेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप एंगल जब सो फाइंड करने के बाद एंगल फाइंड करने लगो ना, तो वहां पर आपने एक लाइन लिख लेनी है, एंगल फाइंड करने से पहले लाइन लिख लेनी है, सपोज वो लाइन क्या है मैं लिख देता हूं यहां पर, अल्फा बीटा एंड गामा आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। मतलब जब आप तीनों स्लोप मिला दो तो पहले ये लाइन लिख लेना और उसके बाद आप एंगल फाइंड करना स्टार्ट करते हो, नाउ टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं है, ओके है। सेम बेटा जैसे मैंने इसका बी पार्ट करवाया सेम इसी तरह आपने इसका सी पार्ट कर लेना, वो भी आपका एएलपी में, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम।